मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि लोला इस हद तक गिर सकती है। आप उसे जानती नहीं आने, वो अपने लालच या फायदे के लिए इससे भी ज्यादा गिर सकती है। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन भाईजान को पकड़वाने में उसका क्या लालच हो सकता है? मिस्टर खन्ना को अरेस्ट कराने के पीछे उसका कोई लालच नहीं है, बल्कि उसके अंदर डर छुपा हुआ है। कैसा डर मिस्टर वर्मा? लोला ये अच्छी तरह जानती है कि उन्होंने मिस्टर खन्ना की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, और वो ये भी अच्छी तरह जानती है कि अगर मिस्टर खन्ना ने उनकी चीटिंग को, फॉर्जरी को एक्सपोज करना शुरू कर दिया तो उसका क्राइम सामने आ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगी। उसने देखा मिस्टर खन्ना जिंदा है तो उन्हें अरेस्ट करा दिया ताकि ये जिल्लत के हाथों टूट जाए, इनकी हिम्मत खत्म हो जाए और ये लोला को फेस करने का हौसला न कर सके। ये तो वो चाहती है ना वर्मा जी। लोला क्या चाहती है हम सब लोग जानते हैं, लेकिन आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं मिस्टर खन्ना? वर्मा जी, मैं अपनी बर्बादी को किस्मत का लेखा समझकर खामोश रहा, लेकिन लोला ने मेरी खामोशी को बुजदिली समझा। लेकिन अब लोला को हर गुनाह का हिसाब देना पड़ेगा, उसे हर एक जुर्म की सजा भुगतनी पड़ेगी। आई एम गोइंग टू नेल लोला वेल एंड प्रॉपर, वेल एंड प्रॉपर। मैं उसे वो सबक सिखाऊंगा जो वह जिंदगी भर याद रखेगी। तो ठीक है, हम लोग अभी से काम शुरू कर देते हैं। आप लोग मुझे और खन्ना को अकेला छोड़ दीजिए, मैं इनसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। नहीं मिस्टर वर्मा, आज करण थक चुका है, उसे थोड़ा आराम करने दीजिए। नहीं मैम साहब, अब तो लोला के साथ हिसाब बराबर करके ही आराम करूंगा। ये हुई ना बात बाबा, बाबा इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। हमें जाने इस बात पे कि गरम चाय और हो जाए। हाँ हाँ बनाओ बेटी। अरे दुल्हन बेटा, वो गिरीश और प्रिया कहाँ गए? जी दीदी और दूल्हा भाई लंदन फोन करने गए। अच्छा अच्छा ठीक। यानी कि हमारे सामने दो मुकदमे हैं। पहले मुकदमे में मुझे आपको डिफेंड करना है और ये साबित करना है कि लोला ने जो चीटिंग केस आप पर लगाया हुआ है वो सरासर गलत है, झूठ है। दूसरा मुकदमा होगा प्रोसिक्यूशन का। हम लोला को प्रोसिक्यूट करेंगे कि उसने आपकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती धोखे से हथियाई है। जी हाँ वर्मा जी, वैसे तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, लेकिन दरअसल है एक ही, क्योंकि पहले तो लोला ने मेरी प्रॉपर्टी को हत्याया, फिर उसके बाद मुझ पर क्रिमिनल चार्जेस लगाना चाहा ताकि मैं अपने बीच बचाव पर लगा रहूं, और यहां वो मेरी प्रॉपर्टी पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ले। राइट। तो सबसे पहले आपको चीटिंग केस से बरी कराना है। इसके अलावा ये कुछ फाइनेंसर्स के नाम और पते हैं जिनसे आपने अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फाइनेंस लिया था, जबकि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज थी। इनमें से तो मैं किसी को नहीं जानता। अरे इसमें तो लोला इंटरनेशनल का नाम भी है। जी हाँ, आप पर यह इल्जाम है कि आपने लोला इंटरनेशनल से 2 करोड़ रुपए लिया। पावर ऑफ अटर्नी के सहारे लोला इतना जबरदस्त खेल खेल सकती है, यकीन नहीं आता वर्मा जी। लेकिन मैंने पावर ऑफ अटर्नी तो दी राहुल को थी। किस लॉयर से लिखवाई थी आपने? अपने क्रिमिनल लॉयर थे दिलीप राज। ये हो सकता है कि लॉयर ने अटॉर्नी राहुल के नाम पर लिखवाने की बजाय लोला के नाम पर लिख दी। नहीं वर्मा जी, दिलीप राज मेरा बहुत अजीज दोस्त था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। कोई ऐसा आदमी है जो दिलीप राज का असिस्टेंट हो और उस पर वो भरोसा रखता हो? एक उनका असिस्टेंट तो था जो आनंद जोग, उसका नाम था।